अक्षय कुमार हाल ही के अंदर पृथ्वीराज चौहान लेकर आए, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, अक्षय कुमार की लाइनअप में ऐसी 13 फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी। इन्हीं फिल्मों की हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कौन इन फिल्मों को डायरेक्ट कर रहा है। सबसे पहले बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन रिलीज हो रही है, जिसके डायरेक्टर आनंद एल रॉय है। ये फिल्म अगस्त महीने में रिलीज होगी और इसके लिए प्रमोशंस जोरों शोरों से चल रहे हैं। इसके बाद आती है राम सेतु। दिवाली के मौके पर अभिषेक शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई राम सेतु के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट का किरदार निभाने वाले हैं अक्षय कुमार। इसके बाद आती है PN-41, जो कि रंजीत तिवारी करने वाले हैं डायरेक्ट। PN-41 को लेकर बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन इसका टाइटल हाल ही के अंदर चेंज किया जा सकता है। PN-41 इसे टेम्परेरी तौर पर दिया गया है। इसके बाद आती है ओ माई गॉड 2। अमित राय द्वारा निर्देशित ये फिल्म जो है वापस से नया सीक्वल होने वाला, जहां अक्षय कुमार इस बार शिव भगवान का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जहां पहले पार्ट में वो कृष्णा बने थे। इसके बाद आती है सरोरे पट्टू रीमेक, जिसे सुधा कोनगारा ही डायरेक्ट कर रही हैं, जो कि इसकी ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्ट कर चुकी हैं। आपको बता दें, ओरिजिनल फिल्म के अंदर सूर्या में नजर आए थे। ये साउथ इंडस्ट्री की एक फेमस फिल्म है, जिसे कई सारे अवार्ड्स मिले थे। और अब आखिरकार ये जो फिल्म होने वाली है, इसकी रीमेक बना रहे हैं अक्षय कुमार। फिर आती है सेल्फी। ड्राइविंग लाइसेंस नाम की फिल्म का रीमेक है सेल्फी, जिसे राज मेहता डायरेक्ट करने वाले हैं। सेल्फी की बात करें तो इमरान हाशमी और अक्षय कुमार साथ में नजर आएंगे। फिर आती है गोरखा। गोरखा की बात करें दोस्तों, तो गोरखा को डायरेक्ट कर रहे हैं SP सिंह चौहान। गोरखा एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत होगी और गोरखा रेजिमेंट के गौरव को दिखाएगी। फिर आती है बड़े मियां छोटे मियां। अली अब्बास जफर की ये फिल्म एक्शन से लबरेज होने वाली है, जिसमें कॉमेडी और एक्शन का तड़का एक साथ मिलेगा, जहां टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार आएंगे फुल फोर्स के साथ। इसी के बाद फोर्स नाम से अगली फिल्म आने वाली है, स्काई फोर्स। जी हां दोस्तों, संदीप केलवानी द्वारा डायरेक्ट करी जाने वाली ये जो फिल्म होने वाली है, ये स्काई फोर्स नाम से होगी। हालांकि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि आखिरकार ये एक्शन फिल्म होगी या फिर ये एक रियल लाइफ फिल्म होने वाली है, लेकिन ये प्लेन से आधारित फिल्म होगी, यानी फाइटर प्लेन से आधारित फिल्म होने वाली है। इसके बाद आती है कैप्सूल गिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कैप्सूल गिल भी एक रियल लाइफ इवेंट के ऊपर कहानी होने वाली है, जहां अक्षय कुमार कैप्सूल गिल का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आती है सी शंकरन नायर की स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी की कहानी दर्शाते हुए अक्षय कुमार नजर आएंगे, और इस कहानी को दर्शाने के लिए डायरेक्टर हैं करण सिंह त्यागी। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि करण सिंह त्यागी इसे डायरेक्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर वो करते हैं तो ये फिल्म एक अलग लेवल की होने वाली है। फिर आती है खेल खेल में। जी हाँ दोस्तों, समंता प्रभु के साथ मुद्दसर अजीज इसे डायरेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ अक्षय कुमार और समंता प्रभु नजर आएंगे, तो आप समझ ही सकते हो हॉटनेस का क्या तड़का लगने वाला है। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी। तो ये 13 फिल्में हैं जो कि अक्षय कुमार की लिस्ट के अंदर है। अब ये 13 फिल्में एक के बाद एक रिलीज होती है, तो फैंस बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, आप कौन से फिल्म के लिए हैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड। और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को, ताकि आप तक पहुंच जाए हर खबर सबसे पहले।